कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम, कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम, मैं खाने गिराने आए थे, दहलीज को चूम कर छोड़ गए, देखा कि ये पत्थर भारी है और जख्मों से जिस्म गुलजार हुआ। तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तरकश कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। सदेजी वकार, मेरी आज की तकरीर थड़थड़ाती हवाओं में तड़पती इंसानियत की उन सिसकियों के नाम जो कश्मीर के गलीचों में गूंज रही है। मेरी आज की गुफ्तगु कश्मीर के कच्चे रास्तों में खामोशी से कटने वाली उन गर्दनों के नाम कि जो सर कटाने को तो तैयार है लेकिन झुकाने को नहीं। मेरी आज की जसारत मासूम बच्चों के उन लाशों के नाम कि जिनका एक ही नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मेरी आज की तकरार मासूम बच्चों के उन लाशों के नाम, उस आग के नाम कि जो चार सू जुल्मते शब फैला रही है। मेरे आज के अल्फाज उन बहनों के नाम कि जिनकी अजमतें पामाल हुई, उन आंखों के नाम कि जिनके ख्वाब छीने गए, उन होठों के नाम कि जिनके रंग खाक हुए। मेरा आज का वलवला उन माओ के नाम कि जिनके जिगर चाक हुए, और आज का दिन उन दर्जगाहों के नाम कि जिन्हें मकतल गाहें बना गया। अरे उजड़े रास्ते अजीब मंजर, वीरान गलियां बाजार बंद हैं। उजड़े रास्ते अजीब मंजर, वीरान गलियां बाजार बंद है, ये कैसी खुशियां कहां की दे, शहर मेरे लहू लहू हैं। ये रोती माएं सिसकती बहनें लिपट के लाशों से कह रही हैं, प्यारे भैया गए थे बाजार, सफेद कुर्ता सुर्ख क्यों है। सदेजी वकार, माँ की गोद को बच्चों की पहली दर्जगाह कहा जाता है। खुश नसीब है वो सरफरोश कि जिसने इस दर्जगाह से शुजात और शहादत का मुकद्दस दर्ज दिया। हमें फख्र है उन माओं पर कि जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों का जस्ते खाकी देख कर अल्हम्दुलिल्लाह कहा। ये माएँ कश्मीर की माएँ हैं जो अपने जवान बेटे का लाशा देख कर फिर उभरती हैं एक नए जोश के साथ, वलवले के साथ, उमंग के साथ, और अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पत्थर के टुकड़े थमाती हैं और कहती हैं कि जाओ और बतला दो दुश्मन को कि हाथों में हम लिए हुए संग ही सही, हाथों में हम लिए हुए संग ही सही, अगर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही। सदेजी वकार, मेरे वजूद में कश्मीर की मिट्टी है, मेरे सीने में कश्मीर का दिल है, तो मेरी कश्मीरी आंखों ने देखा कि एक ही रात में 300 अफराद को मौत के घाट उतारा गया, 11 साल नासिर शफीक के सीने पे खंजर से वार किया गया, बुरहान वानी को शहीद किया गया। अरे हद तो ये है कि भारतीय फौजियों का जग जी जाता है, मुसलमानों के किसी भी बस्ती बाजार मोहल्ले का मुहासरा कर लेते हैं, पाक दामन बहनों की इज्तमाई आबरू जरी की जाती है। अरे कश्मीर की आवाम पुकार रही है कि कहाँ है अर्जो समा का मालिक के चाहतों की रगे कुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी कोतरे, उफक का चेहरा लहू में तर है, जमी जनासा बनी हुई है, जमी जनासा बनी हुई है। सदेजी वकार, शहीदों के लहू से तो जमी सैराब होती है, बड़ी जरखेज होती है, बड़ी शादाब होती है, और कश्मीरियों सही कश्मीरियों का लहू अमेरिका को झंझोड़ झंझोड़ कर उसके माथे पर लगे बदनुमा दाग को धोने की सरेआम दावत दे रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आर्मी बरादरी समेत बड़ी बड़ी ताकतें खामोश है, अरबाब इख्तियार भारत की इस हरकत पर आंखें बंद किए हुए। अरे भारत, हमें डर किस बात का, हम तो गयूर कौम के वो जियाले हैं, हमें तो शहीदों के खून से जिला मिलती है, हमारे हौसले बुलंद होते हैं, हमारे अकीदत को मजबूती मिलती है, लेकिन इन भारतीयों को, इन भारतीय सम्राट को मकबूजा कश्मीर से बोरिया बिस्तर समेटने का वाहिद तरीका जहाद, जहाद और सिर्फ जहाद है, क्योंकि शहीदों के लहू को सुर्ख रू और शाद करना है, ज़मीने सब्स पर एक घर नया आबाद करना है, और मेरी माँ भी मुझे दूध यही कहकर पिलाती थी, मेरा मकसद मेरे कश्मीर को आज़ाद करना है, मेरा मकसद
करना है। शुक्रिया। मीना ताजुल सेकंड पोजीशन ले चुकी हैं ऐसे में, और अब फर्स्ट पोजीशन स्पीच कंपटीशन के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए समीरा के लिए।